नमस्कार बच्चों। तो हम लोग कर रहे थे उद्यमिता का चैप्टर नंबर 6, व्यापार वित्त और अंकगणित। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका भाग नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो के बारे में, और जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नकदी प्रवाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इस भाग को देखने के बाद आप लोग क्या समझ पाएंगे और दूसरों को क्या समझा पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नकद प्रवाह प्रक्षेपण यानी कैश फ्लो प्रोजेक्शंस के बारे में जानेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो प्रोजेक्शन। तो नाम से समझिए, कैश यानी नकद और फ्लो यानी प्रवाह, कैश आ रहा है जा रहा है। प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्ट करना, अंदाजा लगाना कि कितना कैश फ्लो होगा, मतलब कैश आएगा या जाएगा, इसका एक अंदाजा लगाना। मतलब कैश अभी आया नहीं है ना, ये कैश अभी गया है, लेकिन इसका हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि अगले महीने में कितना कैश आएगा, क्या आ सकता है और कितना कैश जा सकता है, यानी कितनी हम लोग को पेमेंट करनी पड़ सकती है। अब कैश फ्लो प्रोजेक्शन से ये पता चलता है कि आपके व्यवसाय के अंदर और बाहर नकदी कैसे प्रवाहित होने की उम्मीद है। हुई नहीं है अभी कैश, मतलब आया या गया नहीं है अभी, लेकिन उम्मीद है, यानी फ्यूचर ट्रांजेक्शन हम लोग इसमें लिखते हैं जो होने वाले हैं, हुए नहीं है। और इस कैश फ्लो प्रोजेक्शन से फायदा क्या है, तो मतलब इसे एक आइडिया लग जाता है कि अगले महीने हमारे पास इतना कैश हो सकता है। तो हमें पता होगा कि जैसे अगर हमारे पास कैश ज्यादा है तो हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है या कैसे क्या करना है। और अगर ऐसी बात है कि हमारे पास कैश कम होगा तो हमें पता होना चाहिए कि अब हम कैश कहाँ से लाएंगे या क्या इंतजाम करना होगा। तो एक कैश फ्लो से हमें प्लानिंग करने में आसानी रहती है, फ्यूचर प्लानिंग, कि हम किस तरह से अपने व्यवसाय को और अच्छे से चलाएं। अब नकद, मतलब किसको कहते हैं, नकदी प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक उसका फॉर्मेट है सिंपल सा। अब कैश फ्लो जो हमने पहले पढ़ा वो है कैश फ्लो प्रोजेक्शन, ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पता चलता है कि किसी व्यवसाय के अंदर और बाहर नकदी कैसे प्रवाहित हुई है, यानी पास्ट ट्रांजेक्शंस, कि मतलब पिछले महीने कितना कैश आया कितना गया ऐसा। और दूसरे शब्दों में यह अतीत में हुई नकदी प्रवाह और बहिर्वाह का विवरण करता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कैश फ्लो प्रोजेक्शन और कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो प्रोजेक्शन में हम फ्यूचर की बात करते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग पास्ट की बात करते हैं। बल्कि मतलब ये चीज कॉमन है कि दोनों में हम लोग कैश फ्लोज के बारे में बात करते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में हम लोग जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनकी बात करते हैं, और प्रोजेक्शंस में जो हम लोग अंदाजा लगाते हैं फ्यूचर में उसकी बात करते हैं। तो आप समझ गए कि दोनों में कॉमन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब एक उदाहरण, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे और फिर आपके लिए प्रैक्टिस वर्क। तो सविता ने अपने पड़ोस में एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो अब आपको पता है कि सर्वेक्षण कैसे किया जाता है, सर्वेक्षण क्या होता है, क्यों करते हैं, तो ये आपको पता है। तो उन्होंने भी एक सर्वे किया और उन्हें विश्वास हो गया कि साड़ी की दुकान शुरू करने का अच्छा अवसर है और इससे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तो साड़ी खरीदने की लागत 125 रुपये, एक साड़ी 125 रुपये की। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बेचेंगे उसे 250 रुपये में। अब पैकेजिंग भी होगी साड़ी की, जाहिर सी बात है, तो एक साड़ी का 12.5 रुपये। भाड़ा भी लगेगा, साड़ियां आ रही हैं कहीं से, तो 12.5 रुपये प्रति साड़ी। अब तो सेल्स गर्ल भी रखेंगी, तो उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति वेतन मिलेगा। 1,000 रुपये दो लोगों के लिए नहीं है, मतलब एक के लिए 1,000 है, दो के लिए 2,000। बिक्री पर कमीशन 10%, यानी जितनी भी साड़ियों की बिक्री ये लोग करेंगे उसमें 10% का इनको कमीशन भी दिया जाएगा। और सविता जो मतलब ओनर है, जिन्होंने बिजनेस खोला है, जो या खोलने वाली है, वो खुद भी एक कर्मचारी के रूप में वहां काम करेंगी और 1,000 रुपये की सैलरी लेंगी। और उनके जो अपना परिसर है जहाँ पे वो ये काम करेंगे, उसका किराया भी है 1,500 रुपये प्रति माह। ये सारे खर्चे हैं। अब जाहिर सी बात है, वो दुकान लगाएंगे तो उसके लिए फर्नीचर, पेंटिंग, लाइटिंग ये सब होगा, तो उसमें 90,000 रुपये का विक्रेताओं से कोटेशन आया है और ये वे 5 वर्षों में वसूल किया जाना है। इक्विटी फंड यानी जो उनका खुद का फंड है, जो खुद की इन्वेस्टमेंट है, वो है 20,000 रुपये। रेंट उन्होंने लोन भी लिया है 1 लाख का, 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ, यानी हर साल उन्हें 12% 1 लाख का देना पड़ेगा। पहले 12 महीनों में सिर्फ ब्याज ही देना है, यानी 1 साल का ब्याज आप बताइए, 1 लाख का 12% यानी 12,000, और 1 महीने का ब्याज 1,000 रुपये, बिल्कुल ठीक।
सूरत से आपूर्तिकर्ता महीने में सिर्फ एक बार माल भेजता है। और जैसे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस के, जैसे मासिक का उपयोगिता बिल 500 रुपए, फोन का बिल 500 रुपए, और छोटे मोटे और भी जो काम हो गए, तो उसमें लगभग 1,000 रुपए प्रति माह अनुमानित है कितना खर्चा आएगा। तो अब ये सब हो गए हमारे खर्चे की ये खर्चा होना है। और क्रेडिट बिक्री से पैसा अगले महीने आता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग उधार में ले जाते हैं, कह रहे भैया अभी दे दो हम कुछ दिन बाद पेमेंट कर देंगे। तो जो लोग उधार पे ले जाते हैं तो उसकी बिक्री का पैसा अगले महीने आता है। जैसे अगर आपने जनवरी में 10 साड़ियां बेची तो आपको उसका पैसा फरवरी में मिलेगा, फरवरी में बेची तो मार्च में। इसी तरह जो भी आप क्रेडिट पे बिक्री करेंगे उसका पैसा आपको अगले महीने मिलेगा। तो क्वेश्चन सब आप अच्छे से समझ गए इसको। अब हम लोग ये 6 महीने की अनुमानित बिक्री, ये क्वेश्चन ही चल रहा है, सोल्यूशन नहीं है। अब ये प्रोजेक्टेड सेल्स की, मतलब कितनी सेल्स होने की संभावना है शुरुआत के 6 महीनों में। तो ये देखिए, पहले महीने 72 साड़ियां, इनमें से कैश सेल्स यानी जिनको तुरंत साड़ी बेचे उन्होंने पैसा दे दिया था, ऐसी 60 साड़ियां ऐसा अनुमान है। क्रेडिट 12 साड़ियां, तो कैश सेल्स कितने रुपए आ गए हमारे हाथ में, 15,000, और क्रेडिट यानी 3,000 यानी ये आपको मिलेंगे दूसरे महीने में। इसी तरह ये साड़ियां, मतलब ये अनुमान लगाया गया कि शुरुआत में 72 साड़ियां बिकेंगी, फिर 84, फिर 100, 120, धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। और इनमें से कितनी कैश सेल्स होगी, कितनी क्रेडिट सेल्स होगी, कितना कैश सेल्स हमारे पास पैसा आएगा, कितना क्रेडिट रहेगा तो अगले महीने मिलेगा। तो ये पूरा एक अनुमान है। तो अब हम लोग का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले माह जीरो। अब ये माह जीरो क्यों है, क्योंकि इस महीने हम लोग बिजनेस सेटअप कर रहे हैं अपना। इस महीने ना को तो कोई सेल्स होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ बिजनेस सेटअप होगा। कोई सेल्स नहीं होगी, कोई सामान नहीं बेचा जाएगा, इस महीने माह जीरो, इसलिए इसे जीरो लिखा गया है क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ बिजनेस सेटअप कर रहे हैं हम लोग। तो इस महीने हम लोग के पास कैश इनफ्लो कहाँ से होगा वो देखते हैं। एक तो सविता के पास जो अपना धन था 20,000 रुपए खुद के इन्वेस्टमेंट, वो आ जाएगा। फिर उन्होंने बैंक से भी लोन ले रखा था 1 लाख रुपए का, वो आ जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जहां से धन आना है, या दो जगह है। तो टोटल हमारा कैश इनफ्लो या कुल अंतर्वाह कितना हो गया, 20,000 और 1 लाख रुपए, इसका टोटल होता है 1,20,000। यानी हम लोग को माह जीरो में कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, 1,20,000। ये तो हो गया पैसा आया। अब पैसा जाएगा कैसे, मतलब जाएगा कैसे या किस रास्ते पैसा बाहर जाने वाला है व्यवसाय से, वो देख लेते हैं। सबसे पहले पेंटिंग, फर्नीचर, लाइटिंग, दुकान सेटअप करने में जो खर्चा आया 90,000 का वो। फिर उसके बाद 72 साड़ियां खरीदी 9,000। अब ये 72 कहाँ से आया, जब हम लोग वो देख रहे थे सेल्स प्रोजेक्शन, तो उसमें था कि पहले महीने में 72 साड़ियां बिकने का अनुमान लगाया गया है, तो इसीलिए इन्होंने 72 साड़ियां खरीदी है। एक साड़ी थी 125 रुपए की, 72 साड़ियां हो गई 9,000 रुपए की। अब पैकेजिंग, एक साड़ी 12.5 रुपए की पैकेजिंग पड़ती थी, तो 72 साड़ियां हो गया 900। सेम वही भाड़े के लिए भी 900 रुपए। अब टोटल आउटफ्लो कितना हो गया, एक तो 90,000 हो गया, फिर 9,000, फिर 900 रुपए, फिर ये 900, तो टोटल हो गया 1,800 रुपए। तो अब माह जीरो में हम लोग के पास है आया कितना, 1,20,000, गया कितना, 1,800। तो अब हम लोग के पास बचा कितना है, 19,200 रुपए। ये महीने जीरो में हम लोग के पास बचा, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो समापन शेष है, वो है 19,200 रुपए। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 19,200 रुपए, यही फर्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए, पहले महीने की शुरुआत में जो प्रारंभिक शेष है वो 19,200 रुपए, जो आखिरी जो क्लोजिंग बैलेंस होगा पिछले महीने का, वही फर्स्ट मंथ का हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब फर्स्ट मंथ में हम लोग देखते हैं अंतर्वाह कितना है, कैश कितना मिलेगा। साड़ियों की नगद बिक्री, अब ये आपको ध्यान होगा उसमें 60 साड़ियों की कैश सेल्स थी, तो 60 साड़ियां इंटू 250 रुपये, 15,000 रुपये हमारे पास कैश आ गया। यानी जो फर्स्ट मंथ में टोटल टोटल जो इनफ्लो हो रहा है कैश का, वो होगा 15,000। अच्छा, 12 साड़ियां बेची गई थी क्रेडिट में भी, तो उसका पैसा हम लोग क्यों नहीं जोड़े इसमें। हाँ ठीक बात, बिल्कुल, क्योंकि तो उसका पैसा हम लोग को अगले महीने मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जो हमें मिल चुकी है, जो कैश हमें मिल रहा है। क्रेडिट में कैश तो मिल रहा है, कैश तो मिल ही रहा है, वो हमें मिलेगा अगले महीने में, तो इसलिए हम उसे लिखेंगे भी अगले महीने के ही मंथ में। तो इसलिए इसे मंथ वन में या महीने वन में दर्ज नहीं किया जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा कैश इनफ्लो। अब कैश आउटफ्लो देखते हैं। अब हम लोग अगले महीने जितनी अनुमान साड़ियों की सेल्स होने की है, उतनी साड़ियां फिर से खरीदेंगे। तो अगले महीने थी 84 साड़ियां,
तो 84 साड़ी हमको खरीदेंगे इस महीने, जिसकी कॉस्ट आएगी 10,500 रुपये। ठीक है, अब इसकी पैकेजिंग का भी खर्चा आएगा 1,050 रुपये, ये भी। फिर बिक्री पर सेल्स स्टाफ कमीशन, कमीशन याद है आपको, 10% कमीशन था हर एक साड़ी में। तो अब टोटल यहाँ पे कितनी साड़ियाँ बिकी हैं, 160 साड़ी वो मिली बिकी है, और 12 साड़ियाँ और भी बिकी हैं, भले ही क्रेडिट में बिकी हूँ लेकिन बिकी तो है, तो कमीशन तो आपको सब में देना पड़ेगा। तो इसीलिए कुल बिक्री पे, चाहे नकद हो चाहे क्रेडिट हो, टोटल 18,000 रुपये की है, तो 10% 18,000 का 1,800, यानी आपको ये कमीशन देना पड़ेगा, ये भी एक खर्चा है। फिर ये साड़ियों का भाड़ा, वो भी आपको देना पड़ेगा 1,050 रुपये। अब कुल वेतन 3,000, 3,000 कहाँ से आया, दो सेल्स गर्ल थी उनके यहाँ 1,000 रुपये, और एक सविता खुद भी कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी, तो 1,000 रुपये उनका वेतन। तो टोटल वेतन हो गया 3,000 रुपये। उनके परिसर का किराया 1,500 रुपये। ब्याज हम लोगों ने डिस्कस किया था 1,00,000 रुपये का 12%, यानी 12,000 एक साल का, और एक महीने का 1,000 रुपये, तो वो भी देना पड़ेगा। अब इसका टोटल कर लीजिए, और जो भी इसका टोटल आएगा 19,900 रुपये, ये है हमारा फर्स्ट मंथ का टोटल आउटफ्लो, इतना पैसा जाएगा। अब देखिए, इनफ्लो है सिर्फ 15,000 का, और गया कितना, 19,900 रुपये, यानी हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान, मतलब कैश आया 15,000, गया 19,900, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान। नुकसान हो रहा है हमारा 4,900 रुपये का, कोई बात नहीं, पहला महीना है, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट भी होगा। तो इसलिए 4,900 रुपीज का घाटा है, अर्थात मतलब अर्थात आउटफ्लो 1 माह के इनफ्लो से अधिक है, तो ये तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब देखिए, अब जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो वो जो भी हम लोग का पिछला था 19,200, उससे हम लोग ये घाटा माइनस करेंगे, और फिर जो हमारा आएगा वो हमारा होगा फाइनल क्लोजिंग बैलेंस इस मंथ का। तो ऐसे हम लोग हर मंथ का कैलकुलेट करेंगे, मंथ ये फर्स्ट मंथ का हमने कर दिया, फिर दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का, पांचवें महीने का, छठे महीने का, ये पूरा करना है। तो ये फॉर्मेट है, इसमें हमने मंथ 0 और मंथ 1 का फिल कर दिया है। अब आपको इसमें मंथ 2, 3, 4, 5, 6 का ये बापू करना है। तो देखिए, मंथ फ्लो सॉरी मंथ 0 में ओनर का कैश कैश इन्वेस्टमेंट था 20,000 रुपये, जो उन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट की, और जो लोन ले रखा था 1,00,000। तो टोटल इनफ्लो हुआ हमारा 1,20,000, कोई कैश सेल हुई नहीं थी, कोई क्रेडिट सेल हुई नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं। अब कैश आउटफ्लो, एसेट्स जो 90,000 रुपये का फर्नीचर, फिटिंग्स, पेंटिंग्स, वो सब था। रॉ मटेरियल यानी साड़ियाँ, पैकिंग मटेरियल 900 रुपये, उसके फ्रेट यानी भाड़ा। तो टोटल आउटफ्लो हो गया हमारा 1,08,000 रुपये। अब सरप्लस या डेफिशिएंट, सरप्लस अगर ज्यादा है और डेफिशिएंट अगर कमी हो रही है, मतलब घाटा हो रहा है एक तरह से, तो ये था हमारा 19,200, और यही इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, क्योंकि और कुछ हुआ नहीं, कोई सेल्स नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं अगले महीने की तरफ, मंथ 1 में। अब इसमें तो ना ही कोई बैंक लोन, ना ही कोई कैश इन्वेस्टमेंट, ये तो पहले मंथ में हो चुका है। अब इसमें हम लोग ने 15,000 की साड़ियां बेची थी, तो यहाँ पर कैश सेल रिसिट में आ जाएगा 15,000, और कुछ पैसा कहीं से आया नहीं, इसलिए टोटल इनफ्लो हो गया हमारा 15,000। ठीक, अब रॉ मटेरियल, हम लोग ने 84 साड़ियां खरीदी थी 10,500 रुपये की। फिर उसके बाद उसका पैकिंग का खर्चा 1,050, सेल्स कमीशन जो दिया था 1,800 रुपये, फ्रेट यानी भाड़ा 1,050 रुपये, सैलरी 3,000, रेंट किराया 1,500, इंटरेस्ट 1,000। तो टोटल आउटफ्लो हुआ हमारा 19,900। अब ये 15,000 माइनस 19,900 होगा, अब आपका तो नुकसान हो रहा है, तो ये इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है। जब भी ब्रैकेट में चीजें लिखी हो तो आप समझ जाइए कि माइनस में है, ये नुकसान में चल रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 4,900 का घाटा। अब क्लोजिंग बैलेंस आता है, टोटल आउटफ्लो जो भी आपका ये आया है, इससे हम लोग माइनस कर देंगे जो भी हमारा घाटा है। तो इस समय हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वो है 14,300 रुपये। तो ये था आपका कैश फ्लो प्रोजेक्शन। अब आपको मंथ 2, 3, 4, 5, 6 ये बनाना है आपको। तो अब आप लोग समझ गए हैं, होशियार हो गए, एक बार प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो माह 2, 3, 4, 5, 6 के लिए आपको ये तैयार करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बार आप इसको फिर से अच्छे से देख लीजिए और फिर ये क्वेश्चन लगाइए, आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान रखें अपना, बाय।